लेट अस स्टार्ट यस द सर। सेशन। देखो आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल, राइट? सो लेट अस सी दिस कैनवस। ये कैनवस सबको दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। देखो यार, मैं पहला क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे, राइट? हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई कि पूछा क्या, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजा है वो सब लोग रीड करेंगे, मैं भी रीड करता हूँ, आप लोग मिलाइएगा। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैं रीड करके वैल्यू भी लिखता जाऊंगा। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि जनरलाइज्ड सर्किट कांस्टेंट ऑफ अ थ्री फेज 220 के रेटेड वोल्टेज मीडियम लेंथ लाइन, ठीक है? तो इससे जो एक चीज समझ में आई कि भाई पहला तो थ्री फेज सर्किट है, दूसरी बात क्या है कि 220 केवी रेटेड वोल्टेज है। रेटेड वोल्टेज अभी हम लोग देखते हैं क्या है, ये सेंडिंग एंड है, रिसीविंग एंड है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो है वो एबीसीडी पैरामीटर, उसके बाद जो है वो एबीसीडी पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है? तो सर्किट कांस्टेंट दिए हुए हैं ऑफ अ थ्री फेज 220 केवी रेटेड वोल्टेज मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है? तो देखो बेटा, आपका दिया हुआ है A is equal to D. आप लोगों ने देखा होगा A बराबर D है ना, हर जगह। ये क्या होता था, 1 plus YZ by, ठीक है, is equal to 0.936 एंगल 0.98। आप लोगों को एक बात याद आ गई होगी, जब मैंने आपसे कहा था और आपको ये बताया था कि A will be lesser than 1, ठीक है? जब मैंने आपके सामने ये वाली इक्वेशन लिखी थी और उसमें कहा था कि that we can say that if 1 plus yz by 2 is lesser than 1, ठीक है, then the transmission line we will be having, it will show the you can say Ferranti effect, ठीक है? आप लोगों को बोला गया था कि ये लाइन लेसर देन वन होगी, डेफिनेटली इट विल बी लेसर देन वन। इफ इट इज लेसर देन वन, इट विल शो द y1 plus yz by 2 ही आ रहा था ना वहां पे, ओके? तो वो मैंने कहा था कि 1 plus yz by 2, मैं आपको प्रूव करूंगा कि 1 plus yz by 2 है वो मेरा क्या आएगा, वो आएगा आपका लेसर देन वन, ठीक है? ओके, तो ऐसा कुछ करके कंडीशन आ रहा था। आपके पास जो कंडीशन आ रही थी वो कुछ ऐसी आ रही थी बेटा, उस टाइम पे वो आ रही थी V receiving is equals to V sending upon 1 plus YZ by 2 YZ by 2 no load condition IR is equals to 0, ठीक है? तो ये कुछ आ रहा था और मैंने आपसे कहा था कि बेटा ये दिखने में लग रहा है greater than 1, बट ये मेरा क्या है, ये lesser than 1 है, no load condition, this is lesser than 1. अगर लेसर देन वन है ये, तो वी आर विल बी ग्रेटर देन वी एस, ओके? और इस कंडीशन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेंटी। और ये मैंने उस टाइम कहा था कि बेटा मैं आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसको प्रूव कराऊंगा, ठीक है? तो फ्रेंटी ये चीज पहली बात हम लोग जस्टिफाई कर लिए कि भाई ये मेरा क्वांटिटी जो है दिस इज लेसर देन, और नो लोड के केस में क्या होगा कि वी आर इज ग्रेटर देन V receiving is greater than V sending. तो ये चीज हम लोगों ने पहली बार प्रूफ कर ली जो मेरी छुपी हुई थी पहले से। Now let us move ahead. जो कि ABCD parameters मेरे दिए हुए, right? तो A दिया हुआ, D दिया हुआ। आप ये बात justify कर रहे हो कि A और D जो है बराबर था वहाँ, right? बराबर था। तो अब उसके बाद जो है A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, उसके बाद B देखो कितना दिया है बेटा। B is given to me is B is 142 एंगल 70.4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री,
एंड आफ्टर दैट सी दे हैव गिवन सी इज इक्वल टू -5.18 प्लस जे 914 इंटू 10 to the power -6 ohms. देखो यार, एबीसीडी दिया हुआ है, ठीक है, और एबीसीडी दिया हुआ है और कह रहे हैं कि लोड एट द रिसीविंग एंड इज 50 मेगावाट. लोड जो दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन को रिफर करते रहिएगा बेटा, लोड जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 50 मेगावाट. ओके, लोड दे हैव गिवन इज 50 मेगावाट. अब देखो पूछ क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, 50 मेगावाट किस पे दिया हुआ है, 50 मेगावाट दिया हुआ है 220 केवी पे, ठीक है, और लोड जो है मेरा क्या कितना है, 0.9 लैग, ठीक है. अभी हम वही लिख रहे हैं जो हमको दिया हुआ है, ये लोड दिया हुआ है 50 मेगावाट, इस पे दिया हुआ है 220 केवी पे, पावर फैक्टर 0.9 लैग है. अब देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज विल बी व्हाट. तो क्वेश्चन आप लोग समझिए, ये 220 केवी जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ये जो 220 केवी दिया हुआ है आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज, राइट, दिस 220 केवी दे हैव गिवन एज अ रिसीविंग एंड वोल्टेज. तो VR जो आपको दिया हुआ है, VR इज इक्वल टू 220 केवी, राइट. एक लॉजिक मैं आपको और समझाना चाहता हूँ बेटा, सब बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है. ये बोल रहे हैं कि जनरलाइज सर्किट कांस्टेंट ऑफ अ 3 फेज 220 केवी रेटेड वोल्टेज मीडियम लेंथ लाइन, ठीक है, 220 केवी रेटेड वोल्टेज मीडियम लेंथ लाइन. देखो ट्रांसमिशन लाइन की रेटिंग का मतलब, ट्रांसमिशन लाइन अगर 220 केवी रेटिंग की है तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये 220 केवी आपका रिसीविंग एंड पे डिलीवर करेगी. ध्यान रखना इसको, ये 220 केवी जो रेटिंग दी होती है ट्रांसमिशन लाइन की, सिंपल सा मतलब ये है, जैसे अगर मान लो यहाँ जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन, ओके, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन. बोलो भाई. हाँ, करवा देते, ये पहले ये बना ले इसको, ठीक है. तो होगा क्या कि देखो बेटा, ये आपका जनरेटर है, ठीक है, बस बार है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो और यहाँ से आपका लोड कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से आपका बेटा क्या है, ये कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड, ओके, दिस इज माय लोड. अब इसने कहा है आपको कि 220 केवी रेटेड वोल्टेज मीडियम लेंथ लाइन, तो 20 केवी रेटेड वोल्टेज का मतलब कि ये जो यहाँ पे डिलीवर करेगी, यहाँ पे जो वोल्टेज आपकी डिलीवर करेगी, ये कितना डिलीवर करेगी, ये 220 केवी डिलीवर करेगी. प्लीज इसको जो है आप इसको समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे 220 केवी डिलीवर करेगी. ट्रांसमिशन लाइन की रेटिंग होती है वो आपको इस बात को जस्टिफाई करती है कि वो आपको लोड एंड पे कितना डिलीवर कर रही है. ये लॉजिक सबको समझ में आया ना यार. अगर ये नहीं भी दिया होता 50 मेगावाट 220 केवी, तो आप इसको क्या मानते, आप इसको क्या मानते, यहाँ पे वोल्टेज 220 केवी ही मानते, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है. देखो ये आपका हो गया 50 मेगावाट, ठीक है, 50 मेगावाट, एंड जो आपका लोड है वो 0.9 लैग दिया हुआ है, ठीक है, और कितने केवी पे दिया हुआ है, 220 केवी, ठीक है. अब हम कुछ बच्चों को अंदर कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. देखो अब सब लोग क्वेश्चन को लगभग समझ गए होंगे बेटा. देखो क्वेश्चन, अब मैं आपको एक बार संक्षेप में बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन दिया हुआ है 3 फेज 220 केवी रेटेड वोल्टेज मीडियम लेंथ लाइन. 220 केवी रेटिंग का मतलब जो यहाँ डिलीवर करेगी ट्रांसमिशन लाइन, लोड एंड पे जो डिलीवर करेगी, रिसीविंग एंड पे जो डिलीवर करेगी, वो कितना वोल्टेज डिलीवर करेगी, 220 केवी. जो भी वैल्यू होगी वो क्या वैल्यू होगी,
वो आपकी फेज वैल्यू होगी। वी आर आई आर विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, विल बी इक्वल्स टू 50 मेगावाट, 50 मेगावाट इंटू 10 टू द पावर 6, यस और नो? ठीक है, और यहाँ पे क्या लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे क्या लेंगे, ये किसके लिए था, ये लाइन था √3 वी आर लाइन, ठीक है, आई आर लाइन इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10 टू द पावर 6। और यहां से अगर मैं आई आर निकालता हूं तो मेरा क्या आएगा, आई आर विल बी इक्वल्स टू 50 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन में √3 इंटू, यस, इंटू 220 इंटू 10 टू द पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा मेरा क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आई आर आएगा। सर कॉस फाई आर भी होता है ना फॉर्मूला, कॉस फाई आर भी होता है, कॉस फाई आर भी ना होता है फॉर्मूला में, √3 √3। ये जो है आपका cos phi, ये जो फॉर्मूला होता है थ्री फेज पावर का फॉर्मूला होता है, और वो मैंने आपको, सुनो, जो है फॉर्मूला डिराइव करवाया था वो क्या था आपका, पी वी फेज आई फेज, थ्री फेज है ना बेटा ये, यस सर, आपको याद आ रहा है? फिर इस वी फेज की वैल्यू मैंने पुट करवाई थी, आई फेज की वैल्यू पुट करवाई थी, ओके, सो दैट वाज द थिंग, दिस इज पावर सिस्टम, ठीक है ना? तो आप उससे कंफ्यूज मत हो, पावर सिस्टम में जो आपका पास थ्री फेज पावर होती है, दैट इज 3 V phase I phase या इज इक्वल्स टू √3 V line I line, ठीक है, जो मैंने डराइव करवाया है यार आपको बेसिक इलेक्ट्रिक, ठीक है, आप वहां से इसको कंफ्यूज नहीं करना, ओके, ठीक है, ओके सर, ओके ओके सर, यस सर, ओके, सो दैट विल बी द केस, ठीक है। यहाँ से बेटा आपका, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आई आर आ जाएगा, ठीक है। आई आर का जो मैग्नीट्यूड आया वो आपका आया 145.795। अब जरा एंगल कोई मुझे बता दे आई आर का कैसे निकालेंगे, आई आर का एंगल कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड तो आ गया मेरे पास आई आर का, आई आर का एंगल कैसे निकालेंगे, कॉस फाई आर वाला एंगल, यस, आई आर का एंगल यहाँ से आएगा, देखो पावर फैक्टर जो आपको दिया हुआ है 0.9 लैग, इसका मतलब करंट जो है आपका वोल्टेज से कितना लैग कर रहा है, 0.9 लैग कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब माइनस कॉस इनवर्स 0.9, यस और नो? ठीक है, यस यस सर, आई आर मेरा क्या आ जाएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट आई आर एस, आई आर मेरा कितना आएगा, आई आर आई विल गेट एस 145.795 angle -25.84, ओके, तो ये मेरा आई आर आ गया। अब देखो, अब ऊपर वाली इक्वेशन में सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई, ए मुझे पता है, ठीक है, वी आर मुझे पता है, बी मुझे पता है, आई आर मुझे पता है। अगर इस वैल्यू में मैं, इस इक्वेशन में मैं वी एस लिख देता हूँ तो क्या मुझे इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ तो क्या मुझे वी एस मिल जाएगा, यस मुझे वी एस मिल जाएगा। अब देखो VS, अब वैल्यू पुट करना भी इम्पोर्टेंट है, ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, ये पर फेज इक्वेशन है, राइट बेटा, दिस इक्वेशन इज पर फेज इक्वेशन, और इसमें जो भी आप डालोगे वो कौन सी पुट करोगे, ऑल वैल्यू विल बी फेज वैल्यू, यस और नो? तो फेज वैल्यू आपको पुट करनी है, लेट अस पुट द वैल्यू, ठीक है, तो जो मैं VS लिखने जाता हूँ, VS ये कितना है, सारी वैल्यू पुट करेंगे, ए इज नथिंग बट 0.936 एंगल 0.9,
ओके इनटू वी आर क्या लिखेंगे कोई बताओ तो सर 220 अपॉन रूट थ्री लिखेंगे क्योंकि यस करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट इनटू 10 टू द पावर 3 प्लस बी कितना है प्लस बी है आपका बी वी आर हैविंग बी एस 142 एंगल 76.4 इनटू आईआर मेरा कितना है 145.796 इंटू 796 इंटू सॉरी एंगल माइनस 25. ये वैल्यू सब लोग को समझ में आए कि नहीं है ये इम्पोर्टेंट है ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है. देखो ये आपका ए हमने पुट कर दिया ये हमने वी आर पुट कर दिया ये बी पुट किया है ये मेरा क्या है आई आर. अब इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा आंसर. ठीक है इफ आई फर्दर सॉल्व इट आई विल गेट माई आंसर. देखो आसान लगा ना क्वेश्चन यार क्वेश्चन में कुछ था और ये यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है. नो सर. ठीक है अब देखो वी एस अगर मैं निकालना चाहूँ तो वी एस मेरा क्या है वी एस मेरा आएगा बेटा यहाँ से वी एस इज नथिंग बट वी एस आई हैव गॉट इज 133.246 एंगल आएगा बेटा 7.7. ठीक है एक चीज जरा बताओ यार क्या ये मेरा आंसर हो गया. नहीं सर ये चूंकि क्या करेंगे इसमें हमको फेज मिला नहीं रूट 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 थ्री से मिला रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो ना बस. यस 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 दोनों लोग सही बोल रहे हैं तो वी सेंडिंग एंड फेज आया बेटा. ठीक है तो वी सेंडिंग एंड लाइन क्या करेंगे रूट थ्री इंटू 133.24 एंगल 7.77. ओके इफ यू सॉल्व इट मेरा आंसर आएगा बेटा. देखो मैं आंसर डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ. ठीक है 270.78 एंगल 7.77. तो आपका मैग्नीट्यूड अगर वी लाइन का क्या आएगा मैग्नीट्यूड जो वी लाइन का आएगा वो आएगा 230.788. ठीक है बेटा तो ये बहुत इजी था समझ में आ गया. अब देखो बेटा अब हम लोग जो है पॉसिबिलिटी भी देखेंगे. अब हम लोगों ने पॉसिबिलिटी भी देख लिया. ठीक है तो अब हम लोग जो है क्या कैलकुलेट किए वो तो वी एस मुझसे पूछा गया था वी एस लाइन जो कि मैंने कैलकुलेट कर लिया. यस और नो अब इसमें क्या क्या और पूछा जा सकता है वो भी हम लोग देखते हैं. ठीक है तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया यू कैन टेक योर आंसर. ठीक है बट नाउ वी विल सी व्हाट एल्स मे बी आस्क्ड. ठीक है तो वो हम लोग देखते हैं. ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन. यस यस सर. यस सर. ओके सो लेट अस सी कि और क्या क्या पूछा जा सकता है. आपको थोड़ा सा एक बार घुमा देते हैं टूर कराएंगे कि भाई इसमें और क्या क्या दो मिनट लेंगे क्योंकि हर वैरायटी का क्वेश्चन करा पाना पॉसिबल नहीं है तो इसी में हम जो है आपको सारी वैरायटी दिखा देंगे. देखो बेटा अभी ओके चलो ठीक है जो ज्वाइन करवा लेते
लेट अस स्टार्ट. देखो अब हम लोगों ने वीएस कैलकुलेट कर लिया, राइट. नाउ व्हाट एल्स कैन बी आस्क्ड, वो हम लोगों को देखना है. 220 की देखो अब जरा ध्यान से देखना बेटा. वीएस हम लोग निकाल दिए, आईएएस भी तो पूछा जा सकता है. आईएएस क्या है मेरा, आईएएस इज इक्वल टू सी वीआर प्लस डीआईआर, ये भी पूछा जा सकता है, यस और नो. ठीक है, इसमें देखो सी आपको पता है, वीआर आपको पता है, डी आपको पता है, आईआर आपको पता है. आप आईएएस निकाल सकते हो, ठीक है. यू कैन कैलकुलेट आईएएस. सपोज आईएएस मेरा आया है, फॉर एग्जांपल सपोज आईएएस आई हैव गॉट आईएएस एज मैग्नीट्यूड ऑफ आईएएस एंगल सपोज थीटा हो. मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि सारी वैल्यू पता है आपको, ठीक है. तो पहला जो है आपका वीएस पूछा गया, दूसरा क्या था कि भाई आईएएस पूछा जा सकता है, तीसरा क्या पूछा जा सकता है. हाँ आर एक एक सेकंड बेटा, हम अभी तुरंत Yes. So, आपको आवाज सुनाई दे रही है, सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. ठीक है, देखो बेटा अब जरा ध्यान से देखना. पहला क्या था, आवाज सबको सुनाई दे रही है ना? Yes, sir. Okay. देखो बेटा पहली बात क्या थी कि वीएस आपसे पूछ लिया, ओके. दूसरी बात क्या थी कि आईएस पूछ लिया. अब तीसरा क्या है, तीसरा आपसे सेंडिंग एंड पावर फैक्टर पूछ सकता है, ठीक है. तीसरा क्या आपसे पूछ सकता है कि भाई सेंडिंग एंड पावर फैक्टर बता दो, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, सॉरी सेंडिंग एंड पावर फैक्टर. तो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर कैसे निकालोगे? देखो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर पूछा है, तो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर कैसे निकालोगे? देखो आपको वीएस पता है, वीएस कितना आया बेटा मेरा, वीएस आया 230.788 एंगल एंगल 7.77, ठीक है. और आईएएस मेरा कितना आया, आईएएस सपोज मेरा आया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आईएएस एंगल थीटा 1. तो जब आपको सेंडिंग एंड पावर फैक्टर निकालना है तो दैट विल बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वीएस एंड आईएस, सर नो. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी सेंडिंग एंड पावर फैक्टर. इसको ऐसे लिखेंगे पावर फैक्टर एस, ठीक है. तो तीसरा ये आपसे सेंडिंग एंड पावर फैक्टर पूछ सकता है. ये तीन पॉसिबिलिटी है. वोल्टेज रेगुलेशन भी पूछेगा, बट वोल्टेज रेगुलेशन का क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा ही रहा हूँ तो मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में देखो बेटा सबसे पहले आपसे क्या पूछ सकता है कि भाई वीएस पूछ सकता है, हम लोगों ने निकाल दिया. दूसरा क्या पूछ सकता है, आईएएस पूछ सकता है. तीसरा क्या पूछ सकता है आपसे, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर पूछ सकता है. अब कांसेप्ट इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, वो ये बताया कि बेटा जो मेरी ये इक्वेशन होती है, क्या इक्वेशन होती है, पर फेज इक्वेशन होती है, ठीक है. दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया,
मैंने ये बताया कि जो रेटिंग दी हुई होती है ट्रांसमिशन लाइन की, वो वोल्टेज होता है जिस पे ट्रांसमिशन लाइन जो है वो रिसीविंग एंड को डिलीवर करता है। ठीक है, रेटिंग का मतलब स्टैंडर्ड होता है ना यार, रेटिंग का मतलब स्टैंडर्ड, उसको 220 केवी जो है रेटेड वोल्टेज है डिलीवर करने का, है ना। दो कंसेप्ट मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताया है, और एक तो सॉल्व करने का प्रोसीजर बताया है, तो बहुत आसान था। आप लोग कैलकुलेटर पे अगर आप लोग का हाथ अच्छा है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं ना, ये क्वेश्चन सबको हो गया। नाउ लेट अस डू वन मोर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कुछ और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। So this question is very nice question. बहुत easy question था, बहुत बार पूछा गया है इस type का question. आप लोग चाहे justify कीजिएगा gate के पुराने question देख के। ठीक है, तो next question, जब next question की बात आई, तो next question आप लोग, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। Next question में ABCD constant of a 220 kV line. बेटा यहाँ 220 kV क्या है जरा बताओ तो। Line voltage है, line voltage. लाइन वोल्टेज और क्या है अभी बताया पिछले क्वेश्चन में। रिसीविंग इट वोल्ट, रिसीविंग इट, यस, वेरी गुड, वेरी गुड नीतीश। दिस इज वीआर फुल लोड, इसको वीआर फुल लोड लिख सकते हैं नीतीश? वीआर, यस, 220 केवी, वेरी गुड। ठीक है, आपका पहले क्वेश्चन से एक डेटा मिल गया हमको, एबीसीडी कांस्टेंट ऑफ 220 केवी लाइन आर। ठीक है, अब देखो ये लिखते हैं, ए कितना भाई, ए दिया हुआ है आपका बराबर डी इक्वल्स टू 0.94 एंगल 10 डिग्री। ठीक है, अब ए है, डी दिया हुआ है, बी आपका क्या दिया हुआ बेटा, बी जो मुझे दिया हुआ है 130 एंगल 73 डिग्री। सी मुझे क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ बेटा 0.001 एंगल 90 डिग्री, ये सी दिया हुआ है। देखो अब पूछा क्या है, इन्होंने पूछा हुआ है, देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग सब क्वेश्चन देखते रहिएगा। दिया हुआ है कि सेंडिंग एंड वोल्टेज ऑफ द लाइन फॉर अ गिवन लोड डिलीवर इज 240 केवी। देखो V सेंडिंग एंड भी दिया हुआ है, V सेंडिंग एंड कितना दिया हुआ है, VS दिया हुआ है आपका 240 केवी। आप लोग प्लीज वो क्वेश्चन देखते रहिएगा जो मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है वहां से, क्योंकि समझना है पहले क्वेश्चन, सॉल्यूशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आप देख भी सकते हो। ठीक है, देन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द लाइन, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, वोल्टेज रेगुलेशन। देखो सॉल्यूशन नहीं, पहले क्वेश्चन सब लोग समझ गए ना कि क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है। ठीक है, कुछ पहले तो हम लोग समझ गए कि भाई क्या दिया हुआ है, वी आर फुल लोड दिया हुआ है। ठीक है, एबीसीडी दिया हुआ है, वी सेंडिंग दिया हुआ है। अब जैसे ही मैंने वोल्टेज रेगुलेशन लिखा, तो वोल्टेज रेगुलेशन मैंने आपको क्या बताया हुआ बेटा, वोल्टेज रेगुलेशन इज व्हाट, वी आर नो लोड माइनस वी आर फुल लोड अपॉन, यस। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं नो लोड में, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है बेटा, ये फुल लोड ही होगा, दिमाग में इसको एकदम से फिक्स कर लो कि ये फुल लोड ही होगा। ठीक है, तो अब देखो जरा, हमको वी आर फुल लोड पता है यहाँ से, ठीक है 220 के भी, वी आर नो लोड क्या होगा कोई बताए तो, अपना दिमाग लगाओ, बाकी हम तो सोल्यूशन बताएंगे। वी आर नो लोड क्या होगा सर, ये होनी चाहिए 240 अपॉन सर ये नो लोड पे जो ए है उससे डिवाइड कर देंगे, सेंडिंग इन वोल्टेज, यस सेंडिंग एंड वोल्टेज जो ए है, समझ गए, लॉजिक सबको समझ में आ गया, लॉजिक सबको समझ, सही, एकदम सही बोल रहे सब लोग। देखो जो बच्चा अभी बीच में बोला एकदम सही बोला, वी एस क्या होगा हमारा, वी एस इज व्हाट, वी एस इज नथिंग बट ए वी आर प्लस बी आई आर, यस और नो। अब नो लोड की अगर बात करोगे, नो लोड
वी आर नो लोड निकालना है, ठीक है। व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, आई हैव टू फाइंड आउट वी आर नो लोड, ठीक है। एट नो लोड, एट नो लोड आई आर विल बी व्हाट, आई आर विल बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, जीरो, ठीक है। अगर आई आर जीरो हो जाएगा तो यहां से हम लिखेंगे वी एस इज इक्वल टू ए वी आर नो लोड, ठीक है। तो यहां से जब मैं वी आर नो लोड निकालूंगा तो वी आर नो लोड मेरे पास क्या आएगा, वी आर नो लोड विल बी इज इक्वल टू वी एस अपॉन ए, वी एस क्या दिया हुआ है मेरा, वी एस दिया हुआ 240 केवी अपॉन में 0.994। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 255.32, ठीक है। ये वी आर नो लोड आया। अब देखो सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, ये कितनी आई वैल्यू 255.32 माइनस दिस इज 220 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में फुल लोड, फुल लोड का मतलब 220। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा बेटा इनटू 100, ठीक है, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 16.054%, 16.054%, ठीक है। तो ये आ गया आपका वी आर फुल लोड, सॉरी ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखना बेटा इस क्वेश्चन से कंसेप्ट क्या मिला हमको, इस क्वेश्चन से कंसेप्ट ये मिला है कि गलती से भी देखो नॉल जो आपका गलती से भी वीएस को हमको वीआर नो लोड नहीं लेना है। वीएस जो है वो वीआर नो लोड के बराबर कब होता था, हम लोग गलती कहाँ करते हैं, जरा यहाँ ऊपर देख लेते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन सबको समझ में आ गया, गलती कहाँ करते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में क्या होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में हम लोग लिखेंगे वी आर इज इक्वल्स टू वी एस इज इक्वल्स टू वी आर इंटू ए प्लस आई आर इंटू बी, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में क्या होगा, नो लोड के केस में क्या होगा कि वी एस इज इक्वल्स टू वी आर नो लोड। ए क्या होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में, ये होता है 1, ठीक है। तो वी एस एज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में एज होता है वो क्या होता है बेटा 1 होता है, 1Z01 होता है ना। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में क्या होगा, इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में वी आर नो लोड इज़ टू व्हाट, इज़ टू सेंडिंग वोल्टेज वी एस। लेकिन ये किसके केस में है, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में। तो यही लोग गलती करते हैं इसमें, डायरेक्ट जो है इसी को वी एस को वी आर ले लेते हैं, वी आर नो लोड ले लेते हैं। बट वो कब होगा, वो आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वो कब होगा, वो मेरा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में होगा। और ये जैसे एबीसीडी पैरामीटर देख के लग रहा है कि ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में एबीसीडी क्या होता है, 1Z01, ठीक है। तो इसीलिए अब इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट था, यही गलती लोग करते हैं, गलती से वी आर नो लोड जो है वी एस के बराबर ले लेते हैं, और वो भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, और गलती से कुछ लोग वही टिक कर देंगे। तो ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, ओके। देखो देखो हम बताते हैं यार बानू, अब इस पे भी एक सेकंड 20 सेकंड डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक बात कह रहे हो तुम, एकदम सही कह रहे हो। देखो यार अब दो बात है, एक बात ये है कि आपका या तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन हो, क्योंकि गेट में ऑप्शनल भी होता है सब्जेक्टिव भी होता है, राइट, ठीक है। तो अब ये तो ये बात है कि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, सपोज दिस इज ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑप्शनल अगर क्वेश्चन है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके आसपास केवल एक ही आंसर होगा, वो आपको टिक कर देंगे, राइट। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है, चार ऑप्शन में से एक ही क्वेश्चन इसके आसपास होगा,
ऑप्शनल क्वेश्चन में वो लोग ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, तो आपको टिक कर देना है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो बेटा एक डोमेन दिया हुआ रहता है, जैसे इस क्वेश्चन के लिए डोमेन, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए डोमेन होना चाहिए 16.0 से लेके या 15.9 से लेके आपका 16.1, इसमें कोई भी आप आंसर पुट करोगे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आंसर की आप लोग देखे होंगे गेट का, तो उसमें ऐसा डोमेन दिया होता है, एक रेंज दिया होता है, सॉरी एक रेंज दिया होता है, उस रेंज में अगर आप कोई भी वैल्यू पुट कर देते हो, अगर आप 16 भी पुट कर देते हो, 16.54 भी पुट कर देते हो, 15.99 भी पुट कर देते हो, तब भी आपको आंसर का मार्क्स मिल जाएगा। ये रेंज जनरली काफी सफिशियंट होता है, बहुत नैरो नहीं होता है, वो लोग उस बात को समझते हैं ह्यूमन एरर को, ठीक है, रैंडम एरर को, आप लोग पढ़े हुए हैं जरूर, तो वो लोग उस बात को समझते हुए हैं और उस बात को कंसीडर करके ये रेंज बनाई जाती है। ये रेंज बहुत सोच समझ के बनाई जाती है, बड़ी साइंटिफिक तरीके से बनाई जाती है। अगर कोई भी आप कैलकुलेशन एरर करोगे, कोई भी छोटी मोटी गलती करोगे, तो आपका आंसर रेंज में ही रहेगा, रेंज से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने सबको प्रोवाइड किया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं जो स्कैन करके मैंने दिया हुआ है। आप लोग प्लीज क्वेश्चन को साथ में जरूर से पढ़ते रहो, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना कंसेप्ट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, आप मैच करना। एबीसीडी पैरामीटर ऑफ अ थ्री फेज ओवरहेड लाइन आर, ABCD पैरामीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा, A is nothing but 0.9 angle 0 degree is equals to B, okay? B जो मेरा दिया हुआ बेटा, B मेरा दिया हुआ है 200 angle 90 degree, okay? एंड सी जो मेरा दिया हुआ बेटा, ये दिया हुआ है 0.95 इंटू 10^-3, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एबीसीडी दे दिया इन्होंने, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एट नो लोड अ संट रिएक्टर इज कनेक्टेड एट द रिसीविंग एंड टू लिमिट द रिसीविंग एंड वोल्टेज इक्वल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। तो इस लाइन की पहले इंपॉर्टेंस समझते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि नो लोड पे एक संट रिएक्टर दिया हुआ है, रिसीविंग एंड वोल्टेज पे कनेक्टेड है, एक संट रिएक्टर जो है वो रिसीविंग एंड पे कनेक्टेड है, टू लिमिट द रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है, टू लिमिट द रिसीविंग एंड वोल्टेज इक्वल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज, ऐसा क्यों किया है जरा देखते हैं इसको, क्वेश्चन पहले बनाते हैं, ठीक है। ये आपका देखो बेटा Vs है, सपोज दिस इज Vs, ये आपका ABCD हो गया, ठीक है, ये भी ये ट्रांसमिशन लाइन है ABCD की, ठीक है। ये मेरा क्या है बेटा VR, अब देखो सपोज ये रिएक्टर मेरा लगा हुआ है और इसकी वैल्यू क्या है Jx। अब इस रिएक्टर की जरूरत क्या है जरा ध्यान से सोचना बेटा, ठीक है। अब नो लोड पे क्या होने जा रहा है, देखो नो लोड पे क्या हो रहा है, पहले नो लोड पे हम लोग देखने जा रहे हैं इस रिएक्टर को क्यों लगाया है, उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, फिर इस रिएक्टर का रिएक्टेंस निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले रिएक्टर का इंपॉर्टेंस देखते हैं, नो लोड पे क्या होने जा रहा है, देखो वी सेंडिंग इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर। अब नो लोड पे आई आर क्या हो जाएगा, ठीक है, आई आर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो एट नो लोड, एट नो लोड, ठीक है। तो एट नो लोड वी एस इज ए वी आर, ठीक है, नो लोड। तो जो वी आर नो लोड आया वो क्या आया, वी आर नो लोड इज व्हाट,
वी आर नो लोड इज वी एस अपॉन ए, जो भी निकाला हम लोगों ने, ठीक है, और वी एस मेरा दिया हुआ नहीं है, ठीक है, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है, वी एस अपॉन ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बेटा 0.9। यहां से देखो जरा, वी आर नो लोड इज ग्रेटर देन वी एस, यस और नो? यस यस सर, ठीक है, इसका मतलब फरेंटी इफेक्ट है। इसका मतलब कौन सा इफेक्ट है? फरेंटी इफेक्ट, ठीक है, इसका मतलब फरेंटी इफेक्ट है। अब क्या हुआ, अब क्योंकि देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है वो आपका, सॉरी रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा हो गया, तो हमने क्या दिमाग लगाया, हमने दिमाग लगाया, हमने कहा कि एक मैं यहाँ रिएक्टर लगा देता हूँ, एक रिएक्टर लगा देता हूँ, तो रिएक्टर क्या काम करेगा, रिएक्टर जो है आपका, आपका रिएक्टर जो है वो क्या काम करेगा कि वो आपका रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, ठीक है, रिएक्टर जो है वो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से जो बढ़ा हुआ वोल्टेज था, ये बढ़ा हुआ जो वी आर वोल्टेज था, इसको किसके बराबर कर देगा, वो इसको वी एस के बराबर कर देगा। लॉजिक सब लोग समझ गए ना, ठीक है, आप yes, अब क्या प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि भाई रिसीविंग एंड वोल्टेज मेरा बढ़ गया है नो लोड पे, सेंडिंग एंड से ज्यादा हो गया, मैं इंजीनियर हूँ, मुझसे सॉल्यूशन के लिए आए सब लोग, क्या किया जाए, मैंने कहा कि भाई एक काम करो, आप एक रिएक्टर लगा दो, अभी वैल्यू नहीं पता मुझे, रिएक्टर की वैल्यू निकालेंगे, मुझसे बोला गया कि आप एक ऐसा रिएक्टर लगा दो, रिएक्टर लगा दो जिससे, जिसके लगाने से क्या होगा कि वी रिसीविंग एंड किसके बराबर हो जाएगा आपका, वी सेंडिंग के बराबर हो जाएगा, मैंने लगा दिया रिएक्टर, अब देखते हैं क्या होगा, अब आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है, मैंने अब रिएक्टर लगा दिया, क्योंकि मैं इंजीनियर था, मैंने रिएक्टर लगा दिया, और रिएक्टर मैंने ऐसा लगाया है, एक रिएक्टर मैंने कैसा लगाया है, मैंने ऐसा रिएक्टर लगाया है कि वी सेंडिंग एंड जो है आपका, वी रिसीविंग एंड किसके बराबर हो गया, सेंडिंग एंड के बराबर हो गया, ठीक है, तो मैंने जो रिएक्टर लगाया है वो, उसमें क्या हुआ कि जो आपका वी सेंडिंग एट नो लोड, मैंने रिएक्टर लगा दिया तो कुछ करंट यहाँ जाएगा, है ना, तो आई आर विल बी नॉट इक्वल टू, लोड नहीं लगा हुआ लेकिन रिएक्टर तो लगा हुआ है ना, कुछ करंट रिएक्टर में जाएगा ना, ठीक है, तो आई आर विल नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा कि वी सेंडिंग इज इक्वल टू वी सेंडिंग नो लोड जो है, मैंने ऐसा रिएक्ट लगाया है कि वी सेंडिंग नो लोड इज इक्वल टू वी रिसीविंग नो लोड, इन दोनों को मैंने बराबर रख दिया, इन दोनों को बराबर रखा मैंने, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वी रिसीविंग नो लोड अपॉन आई आर इजिकल टू पी अपॉन वन माइनस ए, जरा सोचो सही है कि नहीं, ठीक है, मैंने ये रख दिया वी सेंडिंग नो लोड इजिकल टू वी रिसीविंग नो लोड, उसके बाद मैं ये लिख सकता हूँ, यस सर, ठीक है, अब ये कोई दिमाग लगा के बताए कि ये क्या वैल्यू है, वी रिसीविंग नो लोड अपॉन आई आर, वी रिसीविंग नो लोड अपॉन आई आर क्या वैल्यू है, जेड का वैल्यू यानी जेएक्स का, यस वेरी गुड, ये आपकी एक्स की वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं, बी की वैल्यू क्या है, बी दिया हुआ है 200 और 1 माइनस 0.9, तो माय आंसर इज व्हाट, 2000 ओम्स, ठीक है, समझ में आया, देखो बहुत इजी क्वेश्चन था ना यार, एक लॉजिकल पूछा था इन्होंने, अब इस क्वेश्चन से मैंने क्या कंसेप्ट समझा, मैं फिर आपको दोहराता हूँ कि इस क्वेश्चन से मैंने क्या कंसेप्ट समझा, पहले मैंने देखा कि भाई जब नो लोड पे था तो करंट इफेक्ट हो रहा था, करंट इफेक्ट होने का मतलब क्या था कि आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है वो रिसीविंग एंड से कम है, या रिसीविंग एंड नो लोड जो है वो सेंडिंग एंड से ज्यादा हो गया था, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने क्या लगाया, रिएक्टर लगाया,
और कैसा रिएक्टर लगा है? ऐसा रिएक्टर लगा है कि वी सेंडिंग एंड नो लोड इज इक्वल टू वी रिसीविंग एंड नो लोड, ऐसा रिएक्टर मैंने लगाया, ठीक है। जब रिएक्टर की वैल्यू निकाली तो वाई कितनी, 2 kilo ohms, 2k, ठीक है। सो दैट इज माई आंसर। ये क्वेश्चन कितने लोग को समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो let us move ahead and let us do the next question, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब हम लोग बेटा देखो, अब हम लोग जो है सर्ज इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन वाला कंसेप्ट लाते हैं यूज में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अभी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, सॉरी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो भी नौटंकी था हम लोग कर चुके हैं। लेट अस डू द सम मैनिपुलेशन ऑन द यू कैन से लॉन्ग लाइन। अगला क्वेश्चन करते हैं। सो लेट अस मूव अहेड एंड डू नेक्स्ट। प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है। देखो यार, दिया क्या हुआ है कि 800 केवी ट्रांसमिशन लाइन। अब 800 केवी क्या है, ठीक है, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 800 केवी कहाँ का वोल्टेज है? रिसीविंग एंड। यस, वेरी गुड। 800 केवी ट्रांसमिशन लाइन हैविंग एल दिया हुआ बेटा आपको, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है? एल मुझे दिया हुआ है 1.1 मिली हेनरी पर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है सी, सी इज नथिंग बट सी इज व्हाट, सी इज 11.68 नैनो फेराड पर किलोमीटर, ठीक है। इग्नोरिंग द लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है, इट्स आइडियल पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन समझो कि एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और कह रहा है कि आइडियल पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी मेगावाट में हमको बता दो, ठीक है। आइडियल पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी का कंसेप्ट अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे समझेंगे इसको, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन लगी यहाँ तो बना लेते, सपोज ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। सपोज दिस इज माय ट्रांसमिशन लाइन, ओके, ठीक है। इस ट्रांसमिशन लाइन में एल और सी सपोज मेरा दिया हुआ, सपोज दिस एल एंड सी इज गिवन टू मी, ठीक है। एल और सी मेरा दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि एल और सी दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि भाई आइडियल पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बता दो, ठीक है। आइडियल पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बता दो। तो आइडियल पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी की अगर बात कोई कर रहा है मुझसे, तो मैं उससे कहूंगा कि भाई आइडियल का मतलब लॉसलेस। ध्यान से सुनना इस बात, आइडियल का मतलब क्या, आइडियल का मतलब लॉसलेस, यस। लॉसलेस का मतलब मैक्सिमम पावर, ठीक है। आइडियल का मतलब लॉसलेस, लॉसलेस का मतलब मैक्सिमम पावर, यस और नो, ठीक है। तो जो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का मैंने जो डेरिवेशन आपको कराया था, या लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की जो मैंने बात बताई थी, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि भाई लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन जो होगी, अगर तो ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस है, तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो किसके बराबर होता है? वो इज इक्वल टू सर्ज इम्पीडेंस, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने आपको ये बताया था कि जो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन होगी उसमें कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस किसके बराबर होगा? वो आपका होगा सर्ज इम्पीडेंस के बराबर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस किसके बराबर हो जाएगा? आपका सर्ज इम्पीडेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर यहां से मैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालना चाहूं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज इक्वल टू सर्ज इम्पीडेंस, ये कितने क्या वैल्यू आ रही थी लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और सर्ज इम्पीडेंस की क्या आई थी रूट अंडर? ठीक है। तो जब इसको मैं सॉल्व करने जाता हूँ
इसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 306.88 ओम्स। और मैंने आपको एक बात और बताई थी बेटा, इससे एनालिसिस करेंगे बड़ी तगड़ी वाली। इस क्वेश्चन का ये कह रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मुझे बताना है आइडियल पावर। आइडियल पावर का मतलब लॉसलेस, ठीक है। तो लॉसलेस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि लॉसलेस के केस में क्या होगा कि आपका ये आपका प्योर रेजिस्टिव आएगा, ठीक है। जेड सी इज़ टू जेड एस इज़ टू प्योर रेजिस्टिव, एक बात तो ये, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है वो सपोज आपका यहाँ कितना है, 306.88 ओम्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से सोचो, अब हम लोगों ने जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा हुआ है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग कब मैक्सिमम पावर लोड पे डिलीवर होगा बताओ जरा, जब आपका लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस देन द मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर टू द लोड, यस और नो, ठीक है। तो उसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के हिसाब से इस लोड का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए बेटा, इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए मैक्सिमम पावर डिलीवर होने के लिए, 306.88 होना चाहिए, ठीक है। 306.88 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों, किस लिए होना चाहिए, मैक्सिमम पावर डिलीवर होने के लिए। और इसका जो है रिसीविंग एंड का वीआर क्या है, आपने रिसीविंग एंड का वीआर क्या है, 800 केवी दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा थ्री फेज पावर को बता दे, तो थ्री फेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री फेज पावर वी कैन राइट 3 × V phase का स्क्वायर अपॉन में ZL is equals to ZC, एकदम सही बोली हो तुम, ZL is equals to ZC, ठीक है। और अगर फेज को मैं लाइन में कन्वर्ट करूं तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा, V लाइन का होल स्क्वायर अपॉन में ZL। इसको सॉल्व करेंगे तो V लाइन मेरा कितना है, रिसीविंग एंड का कितना दिया हुआ, 800 की, का स्क्वायर इंटू 10^6 अपॉन में 306.88। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 2085 मेगावाट। दिस इज माय आंसर। देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक बड़ा सिंपल सा था कि देखो एल और सी दिया हुआ था, ठीक है, और मुझसे आइडियल पावर मतलब मैक्सिमम पावर पूछ रहा था। एल और सी जहां भी दिया हुआ हो तो इसका मतलब बेटा क्या दिया हुआ है, इसका मतलब आपको लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत होना बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जो है वो आपका क्या नाम है आइडियल ट्रांसमिशन लाइन के लिए या फिर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल लाइन में तो सर ने यूज किया था नॉर्म आर एल सी यूज किया था या फिर एबीसीडी यूज किया था, बेटा जो भी आपका मैक्सिमम जो भी आपका लॉन्ग लेंथ लाइन होगी, लॉन्ग लेंथ लाइन में जो काम आपका वहां पे एबीसीडी पैरामीटर या वहां पे आर एल सी कर रहे थे, लॉन्ग लेंथ ट्रांसमिशन लाइन में वही काम क्या काम कौन करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस करेगा। मैंने आपको बताया हुआ था कि कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड करंट अलोंग द एंटायर लाइन कंसीडरिंग द लाइन इज ट्रेवलिंग अलोन, दैट इज देयर इज नो रिफ्लेक्टिंग वेव, ठीक है। तो ये लॉजिक सब लोग समझ रहे होंगे, है ना यार। तो इसी वजह से ये आपका हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस निकाला और कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस भी लॉसलेस लाइन है तो वो सर्ज इम्पीडेंस के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद हमने ये कंसेप्ट सोचा कि भाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो आपका लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, वो दैट इज माय आंसर। प्लीज कीप दिस सॉल्यूशन इन योर माइंड, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें यार, ठीक है।
ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस। इस क्वेश्चन का कांसेप्ट ये क्लियर हुआ कि आपका भाई जो भी पहली बात लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में जेड जो सर्ज इंपेडेंस विल बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी थोड़ा बहुत यूसेज जो है मैक्सिमम पावर थ्योरम का सोच लिया है, ठीक है, वो सोच लिया है। और तीसरा कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि भाई अगर इन्होंने आइडियल पूछा है, आइडियल मतलब लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ओके, आइडियल मतलब लॉसलेस। जब भी आप आइडियल पूछा है ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपसे, आप क्या मान के चलोगे कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन क्या है? लॉसलेस, कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद लॉसलेस का तो मैंने पूरा मैनिपुलेशन बताया ही हुआ है। Let us do next question. This question is very interesting question. ठीक है, इस question को जरा ध्यान से आप पढ़ना, next question जो मैंने दिया हुआ है आपको। इसमें बोल क्या रहे हैं कि आपका lossless transmission line, पहले ही दे दिया आपको lossless transmission line, ठीक है, पहले ही question में दे दिया कि आपकी transmission line क्या है, वो lossless है, है ना। तो lossless transmission line having surge impedance loading 2280 मेगावाट, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग 2280 मेगावाट है, इज प्रोवाइडेड विद अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन ऑफ 30%, ठीक है, इज प्रोवाइडेड विद अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटिव सीरीज कंपनसेशन 30%। तो सर्ज इंपेडेंस लोडिंग जो है वो कंपनसेटेड लाइन की क्या होगी? सबसे पहले बेटा मैं आपको सर्ज इंपेडेंस लोडिंग के बारे में बताता हूं। सर्ज इंपेडेंस क्या होगा? देखो, सर्ज इंपेडेंस की अगर बात करोगे लॉसलेस लाइन के लिए, तो लॉसलेस लाइन के लिए सर्ज इंपेडेंस जो होगा जेड एस विल बी इज इक्वल टू जेड सी, यस और नो, एंड विल बी इज इक्वल टू रूट अंडर एल बाई सी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा लॉसलेस लाइन के लिए जो सर्ज इंपेडेंस होगा, सर्ज इंपेडेंस विल बी इज इक्वल टू सर्ज इंपेडेंस विल बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस विल बी इक्वल टू रूट अंडर एल बाय सी लॉसलेस लाइन। देखो सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग का मतलब क्या बेटा? लोडिंग का मतलब पावर। सर्ज इंपेडेंस लोडिंग जो होती है वो होती है आपकी वी स्क्वायर अपॉन जेड सी। अब सर्ज इंपेडेंस और सर्ज इंपेडेंस लोडिंग का सब लोग डिफरेंस समझ रहे ना यार, सर्ज इंपेडेंस और सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, ठीक है। तो ये आपका सर्ज इंपेडेंस लोडिंग है, ये आपका क्या है? सर्ज इंपेडेंस है, ठीक है, दिस इज वी स्क्वायर अपॉन जेड एस, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखना चाहूं, मैं ये लिखूं कि सर्ज इंपेडेंस लोडिंग इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एल सी, तो क्या मैं ये गलत लिख रहा हूँ? एकदम सही लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरा, अब देखो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कर क्या रहे हैं ये लोग, जरा ध्यान से देखो बेटा क्या कर रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सीरीज कंपनसेशन ऑफ 30%। देखो सीरीज कंपनसेशन करते कैसे है, जरा ध्यान से देखना है। सपोज ये मेरा इंडक्टेंस था, अब ये सीरीज कंपनसेशन की बात हो रही है, इंडक्टेंस था, अब रेजिस्टेंस मैं नहीं बना रहा हूँ, क्यों नहीं बना रहा हूँ बताओ जरा? रेजिस्टेंस में क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि लॉसलेस लाइन है, ठीक है, लॉसलेस लाइन है। इसमें क्या काम कर रहे हैं कि सपोज ये मेरा एक्सएल है, तो एक्सएल में आपका एक कैपेसिटेंस लगा दे रहे हैं, ऐसे सीरीज कंपनसेशन लगा दे रहे हैं, और क्योंकि 30% कंपनसेशन कर रहे हैं, इसका मतलब 0.3 टाइम्स एक्सएल का कैपेसिटेंस लगा दे रहे हैं। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? सीरीज कंपनसेशन का मतलब ये लोग क्या काम कर रहे हैं, ये लोग इंडक्टेंस पैरेलल में कैपेसिटेंस था, ये वाला कौन सा कैपेसिटेंस है बेटा? ये वाला कौन सा कैपेसिटेंस है? ये पैरेलल वाला कैपेसिटेंस है, है ना, है ना, ये कौन सा कैपेसिटेंस है? ये लाइन की प्रॉपर्टी वाला कैपेसिटेंस है, है ना, ये वाला कैपेसिटेंस नहीं है जिसे लगा रहे हैं। दोनों का डिफरेंस आप लोग समझिएगा, ये कौन सा कैपेसिटेंस है नीचे वाला, ये वाला, ये वाला आपका लाइन की प्रॉपर्टी वाला कैपेसिटेंस है। इसके साथ में ये लोग क्या काम कर रहे हैं, ये लोग एक कैपेसिटेंस सीरीज में लगा दे रहे हैं, वो जिसकी वैल्यू क्या है, 0.3 एक्सएल, ठीक है। अब एक्सएल टोटल मेरा क्या हो गया बेटा, यहाँ पे जो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी,
0.7 एक्स है, यस और नो? ठीक है, तो समझ गए इन्होंने किया क्या है, क्या क्या काम किया इन्होंने, इन्होंने सीरीज कंपनसेशन किया है 30% का, इसका मतलब एक कैपेसिटेंस लगा दिया है जिसकी वैल्यू 0.3 एक्सएल है। ओके, अब देखो, अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो फर्स्ट केस में मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट केस में मैं लिखूंगा, देखो फर्स्ट केस में इन्होंने दिया हुआ है सर्ज इंपेडेंस लोडिंग 2280, 2280 इज प्रोपोर्शनल टू बाई, देखो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन सर्ज इंपेडेंस लोडिंग ऑफ 2280 is provided with uniformly distributed compensation of 30%. So surge impedance line loading of the surge impedance loading of compensated line. So 2280 is proportional to V square upon root under LC. और दूसरे केस में मैंने क्या माना, दूसरे जब compensation हो गया मैंने माना X surge impedance and it is also proportional to V square. अब बताओ यहाँ क्या चेंज होगा, कोई बच्चा बताए यहाँ क्या चेंज होगा, यहाँ हो जाएगा आपका कितना, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 0.7x, yes very good, absolutely correct, 0.7 L upon C. C क्यों नहीं चेंज हुआ, सब लोग समझ गए ना, C क्यों नहीं चेंज हुआ, और C तो पैरेलल वाला था ना इसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, तो वो इसलिए नहीं चेंज हुआ। अब देखो इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ आई विल गेट लाइक दिस। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा एंड यू विल गेट योर सॉल्यूशन। मैं इसको सॉल्यूशन कर देता हूँ, आई विल गेट लाइक दिस, इट विल बी 2280 बटा एक्स will be equals to root under will be equals to where is that value, okay x mein thoda sa ulta likh diya humne, theek hai, it will be x by 80 equals to root under 0.7, to yahan se x jo aayega beta mera kya aa jayega, x will be 2725 वॉट। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या किया इस क्वेश्चन में, ठीक है, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग और सर, देखो इस क्वेश्चन से हमने क्या समझा, इस क्वेश्चन से मैंने सर्ज इंपेडेंस लोडिंग और सर्ज इंपेडेंस का डिफरेंस समझा, हमने समझा कि भाई सर्ज इंपेडेंस लोडिंग प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर अपॉन रूट, देखो बेटा ये वाला जो चीज है ना सब इस वाली चीज पे बहुत क्वेश्चन है आपका सीएल वादवा के पीछे, 10-5-6 क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज कर लीजिएगा, आप लोग साथ में क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है, सो दैट इज द थिंग। तो ये क्वेश्चन सब समझ में आया, आगे बढ़े, यस सर, यस यस सर, सो लेट अस मूव अहेड एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग, और उसके बाद अब आपके हवाले हैं, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन थे गेट के, आपको समझ में आ ही रहा होगा, आप लोग देखे होंगे क्वेश्चंस, तो आपको कुछ क्वेश्चन पहले भी देखने को मिले होंगे, सो वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद वाला क्वेश्चन मैंने आपको फोटो खींच के भेजा हुआ है, जरा देख के बताओ, तो शायद मुझे लगता नहीं भेजा हुआ है सर, अच्छा है सर, ओके, सो लेट अस डू द लास्ट क्वेश्चन, तो देखो यार अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2003 का है जहाँ तक हमको लिखे हुए हैं, 2003 का क्वेश्चन है, तो पूछ क्या रहा है कि सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, पहले तो पूछ ही लिया इसने, क्या पूछ रहा है ये, पहले ये पूछ रहा है कि भाई वी एस निकाल दो, ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, आई एस निकाल दो, फिर क्या पूछ रहा है, cos थीटा इनटू s निकाल दो, तीन चीज पूछ रहा है, these are unknowns, अब दिया क्या हुआ है बेटा, जरा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इफ द लाइन पैरामीटर आर जेड सी, इसने आपको दिया हुआ है, जेड सी आपको दिया हुआ है,
जर्सी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बेटा आपको, 200 ओम्स, और बीटा जो आपको दिया हुआ है बेटा, बीटा इज व्हाट, 1.4 1.047 इंटू 10^-3 रेडियन पर किलोमीटर, ठीक है। जेड सी और बीटा दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है आपको, एल जो दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है, 100 किलोमीटर, ठीक है। एफ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है आपको 50 हर्ट्ज, एफ दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, ठीक है। जेडल भी दिया हुआ है, जेडल कितना दिया हुआ, 200 ओम्स। अब इसे बहुत सारी चीजें हम डिराइव करेंगे, ठीक है। और वी आर आपका दिया हुआ है, इविंग एंड वोल्टेज इज नथिंग बट 100 एंगल 0 डिग्री। देखो बेटा, अब मैं देखो मैं इसको क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ही दो आंसर बता सकता हूँ, ठीक है। दो आंसर ऐसे हैं इस क्वेश्चन में जो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कोई आईआर बता दो, जो आईआर मेरा क्या आएगा, वो देख के मुझे आईआर बताए। जो भी बच्चा समझ गया इस चीज को वो देख के मुझे आईआर बता दे, मैं ट्रांसमिशन लाइन ड्रॉप कर देता हूँ। अभी तक कितना बताया आप लोग, मुझे बस आईआर कैलकुलेट करके बताओ। VR upon ZC, yes, very absolutely correct. ZC नहीं बेटा, ZL लोड होगा ना यहाँ, हालांकि दोनों बराबर है, यहाँ दोनों बराबर है, लेकिन आप कंसेप्ट तो ZL बता। Yes sir, very good। देखो ये आपको VR है, ठीक है। तो अगर मैं IR निकालूंगा तो IR क्या होगा मेरा, बिल्कुल सही बोला नीतीश ने, IR will be what, IR is equals to VR upon ZL, VR upon ZL, that will be equals to 100 angle 0 upon 200, that is 0.5 angle 0. अब जरा कोई मुझे एक चीज बताए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, और देख के मुझे बिना सॉल्व किए VS और IS का मैग्नीट्यूड बता दे। कोई हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ आएगा बिना सॉल्व किए VS और IS का मैग्नीट्यूड। और एक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है उसी के ऊपर VS और IS का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। प्लीज आप लोग बताइए। यस वेरी गुड बेटा, कैसे हो जाएगा बताओ, सही बोलिए, एकदम सही बोलिए। IR, ठीक है, IS will be equals to, ठीक है ना, एकदम सही बोला, वेरी गुड, एब्सोल्युटली। तो लेकिन फिर भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा, अब बताओ बेटा किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, फिर भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, यस पावर फैक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है लेकिन क्या मुझे एंगल पता है, नहीं एंगल नहीं पता। तो एंगल पता करने के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए जरा VS वाला फॉर्मूला बता दो बेटा नो लोड के लिए, वो सॉरी लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए, जो VS का एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, कोई बात नहीं, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। cos VR cos बीटा L plus J IR Z not sin beta, yes yes very good, plus J ZC sin beta L into IR, बीटा एल इनटू आई आर। अब बीटा एल निकाल लें तो बीटा एल भाई क्या होगा, बीटा एल क्या होगा, बीटा एल विल बी 1.047 इनटू 10^-3
माइनस थ्री इंटू 100, ठीक है। अब देखो ये आया मेरे पास, देखो इस ये रेडियन पर किलोमीटर है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में चेंज करने के लिए, इंटू 180 बाई 5, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो बीटा एल मेरे पास कितना आएगा, 6 डिग्री आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, बीटा एल मेरे पास 6 डिग्री आएगा। अब देखो अब मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ, वी आर लिखता हूँ, वी आर मेरा क्या आया है, वी आर मेरा आया है 100, वी आर इज नथिंग बट, अब आप लोग सोच रहे हो कि 100 क्यों ले लिया सर ने, सर तो बोल रहे थे कि फेज वोल्टेज है, तो 100 आप लोग यही सोच रहे हो ना 100 क्यों ले लिया। बेटा देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि ये थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है, कहीं दिया हुआ है, पढ़ो जरा, इसको हम सिंगल फेज की तरह मान रहे हैं। यस वी विल अज्यूम इट एज अ सिंगल फेज, तो कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं अल्टर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही है, ये फेज ही है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको सिंगल फेज मान के सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए हम इसको 100 ले रहे हैं, यहाँ पे 100 cos 6 डिग्री प्लस j इंटू 200 sin 6 डिग्री इंटू 0.5 एंगल 0 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो वी एस आएगा वो आएगा बेटा 100 एंगल 6 डिग्री। देखो मैग्नीट्यूड सेम रहा, मैग्नीट्यूड पहले बता दिया था किसी ने, ठीक है, लेकिन एंगल अब हमारे पास आ गया 6 डिग्री, ये वी एस आ गया। अब इसी तरीके से मैं क्या निकाल लूंगा, आई एस निकाल लूंगा, इसी तरीके से मैं क्या निकालूंगा, आई एस निकालूंगा। तो लेट अस कैलकुलेट आई एस, बेटा इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यही आई एस निकालना है। ठीक है, तो यहीं पे मैं आई एस निकाल लेता हूँ, यहीं पे मैं आई एस अगर निकाल लेता हूँ तो आई एस विल बी व्हाट, आई एस इज नथिंग बट जे टाइम्स जे अपॉन जेड सी साइन बीटा एल इंटू वी आर प्लस कॉस बीटा एल इंटू आई आर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, सारी वैल्यू पता है, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5 एंगल 6 डिग्री। देखो मैग्नीट्यूड सेम ही है लेकिन एंगल कितना आया, 6 डिग्री आया, ये आई एस आ गया। और वी एस हम लोगों ने वी एस क्या निकाला था, वी एस निकाला था 100 एंगल 6 डिग्री एंगल 6। और पावर फैक्टर बता दो जरा इनपुट का कितना है, अब कोई मुझे पावर फैक्टर बता दे, वी एस आई एस दिया हुआ है, पावर फैक्टर बताओ, सोर्स साइड का पावर फैक्टर कितना हुआ, बट विल बी सोर्स साइड पावर फैक्टर, बोलो ना यार इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। आई एस और वी एस के बीच एंगल कितना है सर, 1 होनी चाहिए, 1 होगा, यस यूनिटी होगा, यूनिटी होगा, यस यस यस। आई एस और वी एस के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना, दोनों एक ही है ना, यस यस यस, फेज में है ना, यस सर, दोनों दोनों फेज में है, तो आई एस और वी एस के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, पावर फैक्टर विल बी यूनिट, यूनिटी पी एफ, ठीक है। तो ये समझ में आया सब लोगों को ये क्वेश्चन, ठीक है, यस सर। अब बेटा जितने भी आपके इस सेक्शन के ट्रांसमिशन लाइन के हैं, चाहे वो इंडक्टेंस कैलकुलेशन, चाहे कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, चाहे परफॉर्मेंस, तीनों के क्वेश्चन आप लोगों को लगा लेने हैं विद इन 1-2 डेज, ठीक है, नहीं तो आप लोग सब भूल जाओगे कंसेप्ट, है ना। तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि बेटा आप लोग इन तीनों चीज के कंसेप्ट क्वेश्चन जो है 1-2 दिन में लगा लो, खत्म करो, एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक।
ठीक है यस सर। इंटरनल में सर यही सबसे क्वेश्चन रहेंगे ना यार, इंटरनल।